नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉल इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास खबर। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हर राज्य में पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती बंदिशों के बीच लोगों के मन में सवाल है कि क्या फिर लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, क्योंकि बढ़ते कोरोना को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही रायपुर में भी संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ फिर से बैठक है, लेकिन कोरोना को लेकर इस राज्य में क्या स्थिति है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की लहर हुई बेकाबू, कई राज्यों में लगा नाइट कर्फ्यू, लोगों को फिर सताने लगा लॉकडाउन का डर। पीएम मोदी की आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती दिख रही है और नतीजा ये हो रहा है कि देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से सरकार के साथ लोगों में चिंता बढ़ने लगी है। दरअसल महाराष्ट्र में लॉकडाउन और कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद लोगों को डर सता रहा है कि क्या फिर से पूरे देश में लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला है। उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पिछली बार लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे, लोगों की नौकरी समेत कई ऐसे अहम चीजों पर असर हुआ, जिससे अब लोग धीरे धीरे उभर रहे हैं। लेकिन अब आम जनता को चिंता सता रही है कि अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो क्या होगा। लेकिन ये लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है जो देश में स्थिति एक बार फिर ऐसी हो गई है। देश में लगातार दूसरे दिन 1.25 लाख के करीब कोरोना के मामले सामने आए हैं। ऐसे में दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है और बेड्स तेजी से भर रहे हैं। मुंबई में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है और हर दिन अब औसतन 10,000 मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मुंबई में बेड्स तेजी से भी भरने लगे हैं। बीएमसी की वेबसाइट के मुताबिक मुंबई में इस वक्त सिर्फ 5,171 कोविड स्पेशल बेड्स खाली हैं, जबकि 17,000 से ज्यादा बेड्स भर चुके हैं। मुंबई में अभी 58 वेंटिलेटर बेड्स उपलब्ध हैं, जबकि मुंबई में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 80,000 के करीब है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना के केसों का औसत 5,000 के पास पहुंच गया है। ऐसे में दिल्ली में भी बेड्स को लेकर चिंताएं अब बढ़ने लगी है। एम्स ने तो कोरोना संकट की वजह से फिर से अपने यहाँ ओपीडी सर्विस बंद कर दी है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट के मुताबिक यहाँ पर इस वक्त 5,585 बेड्स खाली हैं, जबकि 4,238 कोविड स्पेशल बेड्स भर चुके हैं। अगर वेंटिलेटर की बात करें तो दिल्ली में 314 वेंटिलेटर ही खाली हैं, जबकि 643 भर चुके हैं। वहीं बढ़ते कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार ने भी अब सख्त कदम उठाए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के मामले 6,000 को पार कर गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रदेश में कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा कोरोना केस वाले 13 जिलों में जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो रात में सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। ऐसे में 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का अहम फैसला लिया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये लॉकडाउन 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक यानी कि 11 दिन तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो रायपुर के अलावा और जिलों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन आज शाम को होने वाली बैठक में क्या चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।